एक बार पुनः प्रणाम और स्वागत है आपका विश्रांति दर्शन के प्लेटफॉर्म पर। आप सुन रहे हैं लघु कहानियां। चैनल के अधीष्ट हैं विश्वधर्मी विश्व शांति के उपासक प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ द कराड। एक शाम समुन्दर के किनारे बेंच पर बैठा हुआ एक बुजुर्ग व्यक्ति सूर्यास्त को देख रहा था। तभी उसके पास एक युवक आता है और पूछता है, आपने पहचाना मुझे? बुजुर्ग ने अपने चेहरे को उठाकर उसकी ओर देखा और धीरे से बोला, नहीं। तब युवक ने उस बुजुर्ग के पैर छुए और कहा, सर मेरा नाम दिनेश है और मैं आपका छात्र हुआ करता था। ओहो, बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, आजकल क्या कर रहे हो भाई? युवक बोला, सर मैं एक शिक्षक बन गया हूँ। अच्छा, मेरी तरह? बुजुर्ग ने कहा, जी हाँ बिल्कुल आपकी तरह। देखा जाए तो मुझे शिक्षक बनने के लिए आप ही से प्रेरणा मिली। बुजुर्ग अब जिज्ञासु होकर युवक से पूछते हैं, मैंने कब और कहाँ प्रेरित किया भाई तुम्हें? तब वो युवक उन्हें अपनी कहानी सुनाता है। एक दिन आपकी क्लास में सर एक छात्र एक नया कीमती फाउंटेन पेन लेकर आया था और मैंने जब वो पेन उसके हाथ में देखा तो मेरा मन उस पेन पर आ गया था। मैंने सोच लिया था कि कैसे भी करके मैं उससे वो पेन हासिल करके ही रहूँगा और फिर मैंने मौका देखकर वो पेन चुरा लिया। जब उस छात्र को पता चला कि उसका पेन गायब है तो उसने आपसे आकर पेन की चोरी की बात कही, आपसे शिकायत की। आपने तुरंत कक्षा को संबोधित किया कि भाई उस छात्र का पेन जिसने चुराया है कृपया उसे वापस कर दो। मगर मैं वो कीमती पेन वापस नहीं करना चाहता था और ना मैंने किया। फिर आपने क्लासरूम का दरवाज़ा बंद कर दिया और हम सभी को खड़ा करके आपने हमारी जेबों की तलाशी ली और साथ ही साथ आपने सभी छात्रों को अपनी आंखें बंद करने के लिए कहा था। सभी ने वैसे ही किया था और आपने हर छात्र की जेब की तलाशी लेकर वो पेन ढूंढ निकाला, लेकिन आपने उस वक्त मुझसे कुछ नहीं कहा और न ही आपने कभी इस प्रकरण का इस बात का इसका कभी उल्लेख ही नहीं किया। आपने क्लास में किसी को भी नहीं बताया कि पेन मैंने चुराया था। उस दिन आपने मेरी गरिमा को हमेशा के लिए बचा लिया सर। वो दिन मेरे जीवन का सबसे शर्मनाक दिन हो सकता था। मैंने उसी दिन फैसला किया कि मैं फिर कभी ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। आपने मुझसे कुछ नहीं कहा था और नहीं मुझे डांटा था। मुझे नैतिक सबक देने के लिए भी आप अलग भी नहीं ले गए। बहरहाल मुझे आपका संदेश स्पष्ट रूप से मिल गया था कि एक वास्तविक शिक्षक को क्या करने की आवश्यकता है। क्या आपको याद है ये किस्सा सर? तब प्रोफेसर ने जवाब दिया, हाँ मुझे ये तो याद है कि क्लास में एक कीमती पेन चोरी हुआ था और मैंने हर किसी की जेब टटोल कर उसे ढूंढ निकाला था, लेकिन भाई मुझे ये नहीं मालूम था कि वो पेन तुम्हारी जेब में था। लेकिन सर पेन तो आपने मेरी जेब से निकाला था, फिर आपको कैसे नहीं मालूम था? युवक ने पूछा। अरे भाई इसलिए कि मैंने भी तुम लोगों की तरह पेन की तलाशी लेते समय अपनी आंखें बंद कर ली थी। गलती सभी से होती है और मैं नहीं चाहता था कि कोई भी छात्र मेरी नज़र से गिरे। कहानी खत्म। देखें क्या सीख दे गई ये अनमोल कहानी, ये मार्मिक कहानी। अगर आपको अपने छात्रों को उनके द्वारा की गई गलतियों पर उन्हें अपमानित करने में आनंद मिलता है तो आप सही माने में एक सच्चे शिक्षक नहीं हैं। आपको पढ़ाना नहीं आता है। थिंक इट ओवर।